गाइज ये मशीन है, कढ़ाई करने वाला मशीन है जो मैं इनको दे रहा हूँ। ये आप रो क्यों रहे हो? क्या करें, बहुत मजबूरी में। रोने से एक बात बताओ, आपका मजबूरी खत्म हो जाएगा? अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत होना, कोई बात नहीं। अरे रखिए ना इसको, अरे रखिए इसको, यहाँ से गाड़ी भाड़ा करके आराम से घर चले जाएगा। घर के आराम से, हुनर है ना आपके पास, तो हुनर से काम कीजिए, घर से एकदम अच्छे से रहिए, ठीक है? इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, समझिए? अब इनका ये आँख देख मतलब कैसे काला काला हो गया, केवल रोने की वजह से। आपको कोई हक नहीं बनता है ना कि आप किसी को गलत बोलो। अगर कोई अपना फैमिली को चलाने के लिए काम करके अपना फैमिली चला रहा है तो कहाँ से गलत है? सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सो गाइज आप लोग अच्छे होंगे। गाइज आज एक फिर न्यू हेल्पिंग वीडियो के साथ फिर आपका भाई आ चुका है। गाइज जो मैम ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मैं उनके लोकेशन पे आ चुका हूँ, यही लोकेशन है। और अगल बगल से भी मैंने पूछा था, दिखाओ इधर, इधर दिखाओ, तो इधर ही उनका घर, इनके गाँव में मैं आया हूँ। बाकी घर बता रहे कि यही घर है जो बाहर से आके रहती हैं। चलिए आते देखते हैं। हेलो, कोई है? कोई है घर में? हेलो मैम, नमस्ते नमस्ते। तो गाइज यही मैम है जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पर, बैठे नहीं आप, बैठिए ना। नहीं नहीं आप बैठिए, कोई नहीं कोई नहीं, आप बैठिए नहीं, अरे बैठिए ना बैठिए ना, अरे बैठे ना, आप बैठे ना, बैठे बैठो, कोई बने आप ही बैठो, बैठो बैठो, कोई बने बैठो। तो गाइज इन्होंने मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा, ये अपने गांव में मतलब काम हम करती थी। मैम आप एक बार अपने जवान से बताओ, खुद ही आप बताओ जो प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है मतलब आपके साथ? दिक्कत कुछ नहीं, गाँव में रहते थे तो बहुत ऐसा उल्टा सीधा लोग सब वहाँ पे बोलते थे जी। उसके बाद हम अपने गांव में चले आए, सिलाई का काम करने लगे। आज दो बेटा भी है मेरा। अब आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, राजमिस्त्री जी। राजमिस्त्री का तो मतलब पैसा भी ज्यादा है? फिर पैसा तो कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, मतलब डेली डेली काम नहीं होता? नहीं। तो मतलब आप वहाँ से क्यों चले आए? वहाँ के लोग सब ठीक नहीं थे, लोग उल्टा सीधा बोलते थे। अब वहाँ से हटने का कारण है कि दो बच्चे, उसको आगे मुंह बढ़ाना है और पढ़ाना लिखाना, जैसे हम चाहते कि हम गरीबी में नहीं जिए, मेरा खुद का बेटा आगे चल के अच्छा कुछ बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, ये मेरा सोच है। ये आप रो क्यों रहे हो? क्या करें, बहुत मजबूरी में। रोने से एक बात बताओ, आपका मजबूरी खत्म हो जाएगा? मैम आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मत रो, पहले आप आंसू पोछो, ये आंसू पोछो, ये गलत बात है, पकड़ना। मतलब गाइस मैं इंस्टाग्राम पे, इन्होंने मतलब सारा बात आपने इनसे कॉल पे भी बात हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा दिखता है, ये अपने फैमिली इनके घर में, इनके सास ससुर है, ठीक है, इनका शादी हो चुका ऑलरेडी, ये मैरिड है, इनका हस्बैंड काम करते हैं, राजमिस्त्री है, तो कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है। तो इनका, आपका दो लड़का है ना मैम जी? हाँ, इनका दो लड़का है, छोटा छोटा ही बच्चा है। तो इनका शौक़ है कि मैं जो गरीबी देखी हूँ अपने लाइफ में, वो चीज़ मेरा बाल बच्चा गरीबी ना देखे। तो उसके लिए मतलब इन्होंने भी, इन्होंने मतलब सिलाई मशीन जो चलाया जाता है, कढ़ाई उड़ाई किया जाता है, तो वो चीज़ का काम करती थी। तो इनका काम करती थी तो मतलब अगल बगल के जो भी लोग हैं इनको ताने देने लगे कि नहीं ये गलत जा रही है, किसी लड़के से मिलने जा रही है, कहीं से गलत जगह से पैसे लेके आ रही है। इन्होंने वहाँ से मतलब सबका बात इग्नोर करते हुए वहाँ से दूसरे जगह ये चले आए, यहाँ पे आके। इधर दिखा बाबू, देखो कैसे कैसा घर है, इस घर में मतलब इस घर में ये भाड़े पे रह रही हैं। इनके गांव में लोग इनको ताने मारते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, तो ये चीज़ इनको ये नहीं हुआ, तो वहाँ से दूसरे जगह पर आके काम कर रही है, कढ़ाई, इनका कढ़ाई करने का काम है। तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे आई हैं तो थोड़ा देहात एरिया टाइप का घर है, तो इनका यहाँ पे खाने का भी अलग पैसा लग रहा है, फिर उसके बाद हर एक चीज़ का मतलब ये लग रहा है। तो मतलब इतना ये अमीर घर की है नहीं कि जो मतलब कढ़ाई मशीन ये खरीद सके। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इन्होंने, आपने वीडियो मेरा कहाँ देखा था? इंस्टाग्राम पे। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा था, काफ़ी लोग फेसबुक पे देखते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब पे देखते हैं, मैसेज करते हैं,
तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था मेरे को कि ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो बाकी गाइस मेरे को इनसे जितना मदद होगा मैं इनको मदद करूँगा, ठीक है। तो मैं इनके लिए कुछ मतलब छोटा सा एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ, जो मतलब ये जब मेरे से बात कर रही थी ना तो मेरे को उस टाइम ही मेरे को मतलब इनका देख के रोना आ गया था। अब इनका ये आँख देख मतलब कैसे काला काला हो गया केवल रोने की वजह से। मतलब लोगों को अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो, बुरा भी तो मत करो, बुरा भी मत कीजिए। आप लोग, आपको कोई हक नहीं बनता है ना कि आप किसी को गलत बोलो। अगर कोई अपना फैमिली को चलाने के लिए काम करके अपना फैमिली चला रहा है तो कहाँ से गलत है, आप लोग बताओ कहाँ से गलत है। ये अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना जा रही हैं, गरीब है तो क्या उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, केवल अमीर बाप का लड़का लोग मतलब अमीर और डॉक्टर बनेगा, है डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, क्यों? गरीब का बाल बच्चा नहीं, उनका बच्चा बच्चा नहीं है, उनका शौक नहीं है, है ना, सबका शौक है ना, लेकिन ये चीज़ दुनिया समझती नहीं है। लड़की को लोग पता नहीं दुनिया में क्या समझते हैं, शायद दुनिया में ये चीज़ लोगों को नहीं पता है कि औरत है ना तो दुनिया चल रही है, अगर औरत नहीं होगी ना तो दुनिया नहीं होगी। बाकी जो मैं लेके आया हूँ ना, एक बार मैम को लेके आओ, ठीक है, और मैम को दिखाते हैं गाइस, बस छोटा सा एक गिफ्ट है इनके लिए, कोई छोटा सा, यहाँ से अपने जाके अपने फैमिली के घर, अपने फैमिली के साथ में रह के, बाल बच्चे के साथ में रह के घर से ही काम करेंगे, ठीक है। मैम कुछ आपके लिए लेके आया, रोना नहीं है मैम, प्लीज रोना मत, प्लीज रोना मत, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट लेके आया है, जिसके लिए आप, इस चीज़ के लिए आप इतने दूर आके अपने फैमिली को छोड़ के आप यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है, तो वो चीज़ अब नहीं करना पड़ेगा आपको, खुद से खुद घर पे ही करोगे, ठीक है, ठीक है। रोना एकदम नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपको, रोना नहीं, ठीक है। ज़्यादा मत निकाल लीजिए, गाइस ये मशीन है, कढ़ाई करने वाला मशीन है, जो मैं इनको दे रहा हूँ, जो अपना मतलब पहले ये दूसरे जगह काम करती थी, ठीक है। मतलब एक यही मशीन के वजह से इनके पास हुनर है कढ़ाई करने का, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कढ़ाई करती हैं ये, ठीक है। अगर किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैम दिखाइएगा मुझे भी कि हाँ, एक दो क्या बोलते हो जो चादर होता है ना उस पर मेरे लिए बना दीजिएगा, ठीक है। रोना एकदम नहीं, स्माइल कीजिए आप, ठीक है, रोना नहीं है, रो मत, कोई आज के बाद आपको यहाँ नहीं रहना है, ठीक है, आपको घर पे जा कर रहना है, घर पे रहो, वहीं सिलाई उलाई करो, जो करना वहीं करो। तो मतलब ये खुद से मतलब कुछ भी बोल नहीं पा रही, आप बंदा जब अंदर से टूटा हुआ रहता है तो कुछ बोल नहीं पाता है। तो गाइज मैं इनको ये सिलाई मशीन है, जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई जो किया जाता है, मैं इनको दे रहा हूँ। मेरे से मतलब जितना भी हुआ उतना मैंने इनके लिए करा, मैं इनको नहीं ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ इनको, लेकिन फिर भी इनके लिए मदद करा। क्यों करा? क्योंकि आप लोग मेरा हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, जब तक आप लोग मेरा मदद नहीं करोगे तो मैं दूसरे का कैसे मदद करूँगा? आप लोग के भरोसे मैं चलता हूँ। तो मैं दुनिया से यही बोलूँगा कि किसी के बारे में गलत बोलने से पहले एक बार सोच लिया जाता है कि हाँ क्या बोल रहा है। किसी को मत बोलो गलत, क्या फ़ायदा किसी को बोलने, जो बंदा जैसा हो अपने खुद के लिए खुद करता है। इनके गांव में उल्टा सीधे इनको बोलने की वजह से ये अपना गांव छोड़ के दूसरे जगह काम करने के लिए, फिर भी इन्होंने गाँव वालों ने बोला, लेकिन अपने इनके अंदर बस एक ही जुनून था कि बस बेटा को पढ़ाना है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग ऐसा काम मत कीजिए, सब चीज गलत है, ठीक है। अरे कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत होने, कोई बात नहीं,
अरे रखिए ना इसको, अरे रखिए इसको, यहाँ से गाड़ी भाड़ा करके आराम से घर चले जाए, घर के आराम से, हुनर है ना आपके पास, हुनर से काम कीजिए, घर से एकदम अच्छे से रहिए, ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, समझिए। हाँ तो गाइज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इनका जहाँ भी घर है या अपने, आप अपने घर पे चले जाएंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए, मैं आप पे विश्वास करके सारा चीज़ कर रहा हूँ, आप अपने घर पे जाके काम कीजिएगा, जो किसी और के पास काम कीजिएगा उससे बढ़िया है तो अपने घर पे काम कीजिए, जितना प्रॉफिट होगा आपका होगा, होगा कि नहीं होगा जी। आप किसी के पास 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आप अपने घर पे खुद से काम करोगे, कितना कमाओगे, ज़्यादा ही कमाओगे, कमाओगे ना। हाँ तो गाइज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और क्या मैं बोलूँ, और किसी को ना गलत कमेंट मत किया करो, गलत जज मत किया करो, पहले उसके बारे में जितना हमारे से हो सकता है भाई, हमारे भाई से हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, या नहीं से क्या कोई नहीं करते, जितना भाई से हो सकता है उतना करता है। क्या बोलूँ, ठीक है मैम इसको आप रख लें ना, ठीक है जी सर, बाकी अब हम लोग चलेंगे, और भी काम हम रहता है, ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होता है मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी होता है आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करें, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, हंसते रहना, अरे नमस्ते, कोई जरूरत नहीं, आप मेरे से बड़े हो, मैं आपके बच्चे के जैसा हूँ, ठीक है।